मध्य प्रदेश में स्थित सागर, जिसे खूबसूरती का बेजोड़ नमूना माना जाता है। इसका मूल नाम सौगढ़ दो शब्दों का मेल है। सौ का अर्थ है सौ और गढ़ का अर्थ है किले। इस क्षेत्र में अनगिनत छोटे छोटे किले हैं। समय के साथ इसका नाम सौगढ़ से सागर हो गया। यह एक ऐसा शहर है जहां आप बार बार आना पसंद करेंगे। वजह है यहां की बहुत सी ऐसी खूबसूरत जगह जहां जाकर आप खुद को खुश नसीब समझेंगे और वहां के नजारे देखकर बाकी सब कुछ भूल जाएंगे। तो आज हम आपको सागर की उन बेहतरीन जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपको घूमने जरूर जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं उन प्यारी प्यारी और खूबसूरत सी जगहों के नाम। राहतगढ़ वाटरफॉल, यह सागर के बीचों बीच स्थित एक खूबसूरत जलप्रपात है। हरे भरे पेड़ों से घिरा और प्राचीन चट्टानों से घिरा हुआ है। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर राहतगढ़ का ऐतिहासिक किला भी देखा जा सकता है। लोग यहाँ पिकनिक और कुछ अन्य मनोरंजन के लिए आते हैं। एरन, एक और बुंदेलखंड का द्वार और दूसरी ओर मालवा का द्वार। इस जगह का नाम इराका की प्रचर वृद्धि से लिया गया है, जो एक प्रकार की कम करने वाली और मेहनती गुणों वाली घास है। एरन गांव में पुरातात्विक अवशेषों का सबसे प्रतिष्ठित संग्रह है। खैजरा धाम, सागर बांधरी रोड पर स्थित खैजरा दुगाहा ग्राम अब महाकाल का धाम बन गया है। यहाँ 7 साल में आए 108 पुष्प नक्षत्रों में उज्जैन महाकाल के हूबहू मंदिर का निर्माण श्रमदान से कराया गया है। शिवलिंग प्रवेश निकास सब कुछ दिशा और डिजाइन में महाकाल मंदिर की तर्ज पर तैयार किया गया है। वरुण स्मृति उद्यान, यह जबलपुर रोड से 12 किलोमीटर दूर स्थित है और एक आकर्षक रिसोर्ट है। शानदार परिदृश्य प्रदान करता है और लोग दूर दूर से यहाँ इंजॉय करने आते हैं। गौर झामर का किला, गौर झामर का किला सागर का एक ऐतिहासिक स्थल है। यह एक प्राचीन किला है। यह किला अब खंडर अवस्था में मौजूद है और यह सागर जिले के गौर झामर में स्थित है। आप इस किले में घूमने के लिए आ सकते हैं। प्राचीन आपचंद गुफाएं सागर शहर का एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर प्राचीन गुफाएं हैं। इन गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आदि मानव रहा करते थे। यहाँ पर आपको रॉक पेंटिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर 5 गुफाएं हैं। इनमें से कुछ गुफाओं में आप जा भी सकते हैं। हरसिद्धि माता का मंदिर, हरसिद्धि माता का मंदिर सागर का एक धार्मिक स्थल है। यह मंदिर हरसिद्धि माता को समर्पित है। मंदिर बहुत ही सुंदर है और सागर जिले के सभी लोग और आसपास के गांव के लोग भी यहां माता के दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर जंगल के बीच में स्थित है और मंदिर के किनारे सुनार नदी बहती है। राजघाट बांध, यह सागर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह एक सुंदर जलाशय है। इस जलाशय का दृश्य बरसात के समय बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि जलाशय पूरी तरह से पानी से भर जाता है और इसका पानी ओवरफ्लो होता है तो यहाँ पर एक झरना बन जाता है। नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य, नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य सागर जिले का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह अभ्यारण्य सागर जिले की रहली तहसील में स्थित है। इस अभ्यारण्य में आपको जंगली जानवर और पेड़ पौधों के दृश्य देखने के लिए मिलते हैं। आप यहाँ पर आकर घूम सकते हैं। यहाँ पर आपको हिरण, नीलगाय, सांभर, लोमड़ी, चीतल देखने के लिए मिल जाते हैं। टिकीटोरिया मंदिर, सागर जिले का यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है। मंदिर ऊंची पहाड़ियों पर बना हुआ है। सागर जिले की रहली तहसील में यह स्थित है और आपको यहाँ पर बहुत सारी प्राचीन मूर्तियां देखने को मिलती हैं और यह मंदिर बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। गढ़पहरा का किला, गढ़पहरा किला सागर में स्थित एक ऐतिहासिक और काफी पुरानी धरोहर है। यह किला प्राचीन है। यह किला ऊंची पहाड़ियों पर बना हुआ है और बहुत सुंदर लगता है। कहा जाता है यह किला गौट राजा संग्राम सिंह के द्वारा बनवाया गया था। इस किले के पास में प्राचीन हनुमान मंदिर भी है। धामौनी, धामौनी सागर के उत्तर में झांसी मार्ग पर करीब 44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुराने खंडरों के कारण धामौनी पुरातत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किले के अलावा यहाँ रानी महल के नाम से विख्यात एक महल भी है। यहाँ का एक अन्य उल्लेखनीय स्थान मुस्लिम संतों की 2 मजारें भी हैं। इनमें से एक बालजीत शाह की मजार है,
जिन्हें अबुल फजल का गुरु समझा जाता है। दूसरी मजार मस्तान शाह बली की मानी जाती है। रमना इको टूरिज्म पार्क सागर जिले के गड़ाकोटा में यह स्थित है। यह एक बहुत सुंदर गार्डन है। यहाँ पर जिपलाइन, हॉर्स राइडिंग जैसी गतिविधियाँ करवाई जाती हैं। खिमलासा का किला, खिमलासा के बारे में कहा जाता है इसकी स्थापना एक मोमडन ने की थी और यह एक मालवा के उपनगर रायसेन की सरकार में महल था। खिमलासा एक मलबे की दीवार से घिरा हुआ है जो पत्थर के मलबे से बना है। मीनार के केंद्र में एक गढ़ का किला है जिसमें अकेले प्रवेश द्वार एक दिलचस्प विशेषता है। दुहेला मंदिर, यह मंदिर सागर जिले की खुरई में स्थित है। मंदिर शिव भगवान को समर्पित है। यह मंदिर झील में बना हुआ है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। झील में बहुत सारी मछलियां भी हैं।